ताकत पैदा करिए। दुनिया में इंसाफ कायम करना बगैर ताकत से संभव नहीं हुआ है आज तक, तो अब ताकत पैदा करो। ताकत एक सत्ता की होती है, ताकत एक संगठन की होती है, केवल सत्ता की ताकत नहीं होती है। सत्ता के पहले संगठन की ताकत होती है, जिस संगठन की ताकत होती है वो सत्ता तक पहुंचती है। सत्ता के पहले भी ताकत होती है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप नुमानी साहब के समर्थन में खड़े होकर एक ताकत देश में पैदा करोगे तो निश्चित रूप से बदलाव की एक प्रक्रिया भारत में शुरू हो जाएगी। मुसलमानों को सेकुलर स्लोगन की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को सेकुलर स्लोगन, सेकुलरिज्म एंड द स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म, द डिफरेंस बिटवीन स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलरिज्म, समझ लो। सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, मगर मैं ऐसे मानता हूं कि सेकुलरिज्म को भारत में परिवर्तन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूं, बहुत मौलिक बात बता रहा हूं। सेकुलरिज्म को भारत का ब्राह्मण परिवर्तन रोकने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस देश में एससी एसटी ओबीसी इन लोगों को सबसे ज्यादा परिवर्तन चाहिए, सबसे ज्यादा इन लोगों को परिवर्तन चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन के लिए आप खड़े हो जाओ उनके समर्थन में, इंसाफ कायम करने के सिद्धांत में ये बात शामिल है। अगर आप परिवर्तन के जिनको चाहिए एससी एसटी ओबीसी को, अगर उनके परिवर्तन के समर्थन में आप खड़े हो जाओ तो ब्राह्मण परिवर्तन के इस अभियान में एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काने में कामयाब नहीं होगा। ब्राह्मण मुसलमानों के घर पर जाकर फसाद करने वाला नहीं है, ब्राह्मण मुसलमानों के पास जाकर हत्या करने वाला नहीं है। जितने अभी लोग हैं ये हत्या करने वाले मुसलमानों के, ये आम तौर पर पहले नंबर पर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, बैकवर्ड क्लास के हो, मगर ये तमाम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। और प्राइवेट में ब्राह्मण लोग कहते भी होंगे कि ये जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हम थोड़ी कर रहे, वो तो बैकवर्ड लोग कर रहे। बैकवर्डों को मुसलमानों के विरोध में वही भड़का रहे, और प्राइवेट में आपको ये भी बोल रहे होंगे हम थोड़ी कर रहे, ये तो बैकवर्ड लोग कर रहे। और बहुत सारे मुसलमान मुझे कहते भी है, आप कहते हो मेश्राम जी कि मुसलमानों को और इन बैकवर्डों को इकट्ठा किया जाए, मगर आप ही के लोग तो हमारे घर पर हल्ला करते हैं। ऐसा मुसलमानों के बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं कहता हूं अगर चौराहे पर कोई बैकवर्ड आदमी, कोई पागल आदमी ये कहे कि प्रणब मुखर्जी देश का प्रधान राष्ट्रपति नहीं है, हम राष्ट्रपति है, तो आप मान लोगे? तो ये जाहिल लोग है, तो जाहिलों का तो इस्तेमाल होगा ना। ये एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं ये आपके बीच में ही नहीं, मैं उन लोगों के बीच में भी यही कहता हूं कि जाहिल है, उनको जहां बना के रखा गया है 3000 साल से मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, जबकि कुरान में पहला शब्द है इकरा, पढ़ो, और मनुस्मृति में लिखा है इनको पढ़ने मत दो, रोको। और अगर अपने से कोई बैकवर्ड पढ़ रहा है तो उसका अंगूठा काटो, महाभारत में लिखा हुआ है एकलव्य का अंगूठा काट लिया, वो उसको किसी पढ़ाया नहीं किसी ब्राह्मण ने, वो अपने से पढ़ा तो उसका अंगूठा काट लिया। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि
उन लोगों के लिए परिवर्तन का आगाज आप कर दोगे तो वो लोग परिवर्तन का आपका मुद्दा जो है स्वीकार करेंगे, और परिवर्तन में सेकुलरिज्म इंक्लूड है। सेकुलरिज्म में परिवर्तन शामिल नहीं है। मैं मौलिक बात आप लोगों को बता रहा हूं नुमानी साहब, ये फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं। सेकुलरिज्म में परिवर्तन शामिल नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म का नाम लेकर मुसलमानों का ब्राह्मणों ने अपने समर्थन में साथ खड़ा किया और परिवर्तन को रोका। मुसलमानों का सारा इतिहास परिवर्तन का इतिहास है, तमाम मोहम्मद साहब के जीवन से आज तक सारे दुनिया में यह परिवर्तन का इतिहास अभी भी बंद नहीं पड़ा हुआ, ये चालू ही है। सारे दुनिया में अभी भी ये आंदोलन चालू ही है परिवर्तन का। अगर ये आंदोलन परिवर्तन का है तो इन लोगों को सबसे ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है, और इन लोगों को जिनको परिवर्तन की जरूरत है, अगर मुसलमान परिवर्तन के लिए उन लोगों का साथ देते हैं, ब्राह्मण के मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अब बताता हूं। मनुस्मृति में लिखा है, तेली का मुख अगर ब्राह्मण ने देख लिया तो उसका 24 घंटा बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है तेली का मुख देखने से। नरेंद्र मोदी तेली है, मैं नरेंद्र मोदी के जाति का उल्लेख उनको कोई डिफेम करने के मकसद से नहीं कह रहा, विश्लेषण के मकसद से कह रहा हूं। तो उनका धर्म ग्रंथ यह कहता है कि इनके पास नजदीक से भी मत गुजरो, उनके बस्ती में या मत जाओ, उनको कुछ मत बताओ, ऐसा मनुस्मृति कहती है। मगर ब्राह्मण उन बैकवर्डों के एरिया में गए, पाबंदी होने के बावजूद भी गए, और उनको उन्होंने समझाया। क्या समझाया? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन, पाबंदी है उनके धर्म ग्रंथ उनको उन बैकवर्डों के बस्ती में जाने के लिए पाबंदी लगाते हैं, फिर भी वो ब्राह्मण उनके बस्ती में गए और उन्होंने उनको कहा कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, वो जाहिल लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के जाहिल लोग हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, आधे पढ़े लिखे जाहिलों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये ज्यादातर जो मारने काटने वाले लोग हैं ना, वो अनपढ़ नहीं है, मैं आपको दावे के साथ लिख देता हूं, जितने भी मारने काटने वाले लोग हैं हमारे बैकवर्डों के मुसलमानों को, वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, मगर आधे पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण उनको जो कहते हैं उसका वो विश्लेषण करके सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, वो मान लेते हैं। उनके धर्म ग्रंथों ने उनको पाबंदी लगाई, वहां जाने के लिए वो गए। आपके धर्म ग्रंथों ने आपको आदेश दिया, मजलूमों के पास जाओ। अल्लाह ताला ने आपको कहा जाओ, आप नहीं गए। संकट की जो खतरे की घंटी है वो यहां है, आपको तो आदेश है, अल्लाह ताला का आदेश है, डिवाइन आदेश है। अगर आप अल्लाह ताला का ही आदेश नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा? न यहां बख्शेगा न वहां, जब फैसले की घड़ी आएगी ना तब भी नहीं, तब भी आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखो, ये आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है, जो असल मोमिन है उसकी जिम्मेदारी है। इस वजह से संकट खड़ा हुआ है। हम संगठन में बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपने लोगों को जहन के तौर पर मानसिक रूप से तैयार करते हैं, उसके लिए मैं 5-5 दिन बोलता हूं, अकेला माल दिन बोलता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। मैंने नोमानी साहब को भी कहा कि अगर हमारी कोई मदद चाहिए मुसलमानों के नए नौजवानों को कैडर बिल्डिंग करने के लिए, ये जो एकता फोरम है इसके लिए,
उसके लिए भी मैं समय दूंगा। मैं ये कहने में यकीन नहीं करता कि मैं आपको नैतिक समर्थन दूंगा, नैतिक समर्थन का कोई मीनिंग नहीं होता है, मैं संगठित शक्ति से मदद करूंगा। हाँ ये समझो, यानी कि मैं नैतिक रूप से नुमानी साहब आपको समर्थन करूंगा, ये तो शब्दों का छल है, ये धोखा है। मैं ऐसी बात कहने वाला नहीं हूं, मैं संगठन शक्ति के साथ में, हम कमजोर हैं मगर हम अपने किरदार से कमजोर नहीं है। ध्यान देखो, हम कमजोर हैं मगर हम अपने किरदार से कमजोर नहीं है, और आपके जैसे ताकतवर लोगों के साथ ताकतवर लोगों को भी हम लोग आपको भी मदद कर सकते हैं। जब हम लोग इस तरह का आप लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हैं, भारत के हालात देखो, ऐसे हालात में ऐसे बोलने वाला कोई आदमी मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो केवल बोलता नहीं हूं, मैदान में संकट में खड़ा होता हूं। रुमानी साहब को पता है मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता। संकट में हम खड़े होते हैं और दोस्तों की असली पहचान संकट में होती है। जब संकट आता है तब असली दोस्तों की पहचान होती है, और जो असली दोस्त जिनको आपने किया कहा वो केवल स्लोगन देते हैं सेकुलरिज्म का, वो संकट में आपके समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। जब संकट आता है तो आपके समर्थन में सेकुलरिज्म पर भाषण शुरू कर देते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह के स्लोगन सेकुलरिज्म से कुछ होने वाला नहीं है। बात को समझना जरूरी है, ये विकल्प क्या है, क्या विकल्प है। मैं ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा विकल्प है। विकल्प क्या है, मैं आपको विकल्प के तौर पर कुछ बात समझाना चाहता हूं एग्जाम्पल देकर, ताकि आप बात को समझें। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है। मुसलमानों की संख्या 15% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वाले ब्राह्मण मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं, आप भी मान लेते हो, मुझे अजीब लगता है। क्या आपके अंदर कोई मैथमेटिक्स वाला बिल्कुल भी कोई आदमी नहीं है? ऐसा तो मैं नहीं मानता। मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंसिया है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरी ऐसी जानकारी है कि मुसलमानों के पास एससी एसटी ओबीसी से ज्यादा बेहतरीन इंटेलिजेंसिया है। वो इंटेलिजेंसिया जो हमारे पास डाटा है, हमारे पास फैक्ट है, अगर उनके साथ हमारा वार्ता और राबता हो जाए तो उनको इस बात को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हमारी कोशिश है उन लोगों को ये सारी बातें समझाने की, जानने की, बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और लोगों को जानकार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि निश्चित रूप से ये काम किया जाए। जिन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो ये बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं जिनको मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, मैं अभी एक कुछ डाटा आपको बताता हूं, हैरान करने वाली बात। मेडिकल साइंस की 63,835 मेडिकल की सीटें हैं ऑल इंडिया में, इसमें कोटे के लिए रिजर्वेशन के लिए 9,575 सीटें खाली है रिजर्वेशन के लिए, और इसमें ओबीसी के लिए 2,585 सीटें मिलनी चाहिए। ओबीसी को 2,585 सीटें मिलनी चाहिए, मिली कितनी 68, परसेंटेज कितना 2, मिलना चाहिए कितना 27%,
मिली कितनी? 2%। ये आंकड़े सरकार के डॉक्यूमेंट से बता रहा हूं मैं। ये डाटा आपको एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं, बीजेपी के, आरएसएस के, संघ परिवार के और तमाम बचे हुए जो ब्राह्मण है, ये मत समझना कि जो आरएसएस के ब्राह्मण है वही खतरनाक होते हैं। ब्राह्मण जो है जिसके नाक पर मक्खी बैठती है, वो मक्खी जो उड़ाने लायक नहीं है वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो 50,000 और 1,00,000 रुपया आरएसएस को चंदा घर में बैठे बैठे दे देता है, और पैकेट में डालकर जब देता है तो उस पर अपना नाम भी नहीं लिखता है। उसको पूछो क्यों नाम नहीं लिखा, बोलता हमको मालूम है वो सही काम के लिए ही लगेगा। हमको अगर हमारा आदमी 10 रुपया चंदा देता है तो 2-4 साल तक पूछते रहता है, अरे वो 10 रुपया दिए था उसका क्या हुआ भाई, आपने बताया नहीं हमको। जिस समाज की ये दानत हो उसका सत्यानाश करने के लिए अल्लाह ताला या किसी की आने की जरूरत क्या है? ये तो हम खुद ही अपना सत्यानाश करते हैं। अपने पब्लिक लाइफ के लिए अगर आप, अपने समाज के लिए अगर आप कुछ चंदा देते हैं तो आपके समाज की ताकत बढ़ेगी, आपके समाज की ताकत बढ़ेगी, वो जो दिया हुआ चंदा फिर लौटकर आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि आपको ताकत जो मिलेगी उससे सारे समाज की ताकत बढ़ेगी, और सारे समाज की ताकत बढ़ेगी तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी। ये तो हमको समझ में नहीं आता, ये हमको समझ में नहीं आता। ज्योतिराव फूले को लोगों ने पैसा दिया, बाबा साहब अंबेडकर को लोगों ने पैसा दिया और संविधान में अधिकार दिलवाकर कई गुना लौटा दिया, ब्याज के साथ मिला। ये बात जो है समझना जरूरी, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 2500 सीटें मिलनी चाहिए थी, उनको केवल 68 सीटें मिली, 2% मिली। 25% लोगों के साथ धोखा किया गया, वो धोखा एक बैकवर्ड प्रधानमंत्री कर रहा है, बैकवर्ड के साथ ही कर रहा है। अगर एक बैकवर्ड आदमी को यह कहा जाए कि भाई, एक अनपढ़ आदमी को यह कहा जाए एक कुल्हाड़ी ले लो और तुम्हारा बाया पैर इस कुल्हाड़ी से काटो, तो वो अनपढ़ आदमी कहता है मैं अनपढ़ जरूर हूं, मैं गधा भी हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपना आप अपना पैर काट लो।